देखिए, राजा दियोदास ने जब काशी के राजा हो गए और यहाँ काशी में अकाल पड़ गया, अन्न धन की कमी हो गई, तब राजा दियोदास ने भगवती अन्नपूर्णा से प्रार्थना किया कि माता तुम आओ, बाकी देवताओं को तो उन्होंने कहा जाइए, और माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना की और माता अन्नपूर्णा की काशी में उपस्थिति हुई और तब से पूरे विश्व में धन धान्य की समृद्धि होने लगी। अन्नपूर्णा जी राजा दियोदास के आह्वान पर काशी आई और इसे अन्नपूर्णा मंदिर ही एक ऐसा अकेला मंदिर है भारत में जो चार दिन तीनों देवियाँ हैं, भूदेवी, लक्ष्मी देवी और अन्नपूर्णा देवी, तीनों देवियों का एक साथ दर्शन करते हुए आज भौम प्रदोष है, भौम प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी है, आज धन्वंतरी भगवान की जयंती भी है। तो भगवान धन्वंतरी जो है दोनों हाथों से अमृत लेकर के आज पैदा हुए थे, तो एक तरफ लक्ष्मी था, लक्ष्मी जी थी, और दूसरे तरफ जो है आयुष्य और आरोग्य की वृद्धि होने के लिए था। तो आज के दिन दो भी भक्त भगवती का दर्शन करेंगे, उनको आयुष्य आरोग्य और भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त होने से माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होने से जीवन में धन धान्य की समृद्धि रहेगी और भगवती ये प्रतिमा किस रूप में है और उसका दर्शन करें। देखिए, ये प्रतिमा दो तीन पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है, लगभग कई सौ वर्षों से ये प्राचीन परंपरा है कि यहाँ माता का मंदिर खुलता है तीन दिन के लिए और महंत जी के द्वारा खजाने का वितरण किया जाता है। ये परंपरा काफ़ी प्राचीन है। शास्त्रों में चूंकि ये स्वर्णमय प्रतिमा है, शास्त्रों में इसके या उल्लेख बहुत ज़्यादा तो नहीं प्राप्त होता, पर यह है कि एक हमारी जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार माता के दर्शन करने का भक्तों के अंदर एक साहस होता है, भक्तों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस धारणा से आज के दिन लोग, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, पूरा दर्शन करते हैं माता का आशीर्वाद। जी, कैसे आई यहाँ पे और क्या वजह है कि सिर्फ चार दिन में खुला था? देखिए, ये जो माता की प्रतिमा है, ये प्रतिमा यहाँ की जो गद्दी की परंपरा है बहुत प्राचीन काल से, इसका कोई ऐसा इतिहास नहीं कि कब आई, पर यह है कि ये स्वर्णमय माँ के प्रतिमा के दर्शन का महत्व हजारों वर्षों से चला आ रहा है और भक्त उसी क्रम में दर्शन करते आ रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।